हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ फरजीन। वेलकम टू फरजीन्स फूड मैजिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी, क्रिस्पी रवा सुरमई फ्राई। बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है ये डिश, तो आइए इसे फटाफट से बनाने का तरीका देखते हैं। मैंने फ्रेश सुरमई ले ली है और इसे अच्छे से पेट ड्राई कर लिया है। इसके ऊपर हम छिड़केंगे थोड़ा सा नमक। सारे फिश के टुकड़ों पर थोड़ा सा नमक हमें इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। अभी हम फिश को सिर्फ बेसिक मैरिनेशन कर रहे हैं, तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूंगी। अब हम थोड़ा सा नींबू का रस इसमें डाल देंगे। फिश के हर एक पीस को इस मसाले में अब हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। मैंने इन सारे पीसेस को अच्छी तरीके से दोनों तरफ से मसाला लगा लिया है। इसे ज़्यादा मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने इसे 15-20 मिनट्स भी रख लिया तो काफ़ी है। अब हम इसके सेकंड मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। 2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून नमक लिया है क्योंकि हमने ऑलरेडी फिश में नमक ऐड किया है। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसे एक घोल बना लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे। हमें ना ही तो ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा घट। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे और एक थिक पेस्ट बना लेंगे। देखिए, ये इस तरीके से थिक होना चाहिए। ज़्यादा पतला पेस्ट होगा तो वो फिश की कोटिंग में से निकल जाएगा। अब हमें थोड़ा थोड़ा लेके मसाला फिश के ऊपर लगाते जाना है इस तरीके से। इसे उलट पुलट करके हम दोनों साइड से बराबर से मसाला लगा देंगे। देखिए, ये मसाला थिक होने की वजह से अच्छी तरीके से फिश के ऊपर स्टिक हो जा रहा है। बाकी बची फिशेस के ऊपर भी हम सेम तरीके से सारे मसालों को लगा लेंगे। अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट रख सकते हैं या फिर मिनिमम 1-2 घंटा। जितना अच्छा मैरिनेशन होगा ये उतने ही अच्छे बनेंगे। इनफैक्ट आप चाहे तो इसे डीप फ्रीज भी करके रख सकते हैं। आपने बस इसे रवे में कोट कर लेना है, जो मैंने अभी आगे के प्रोसेस में बताया है। उसके बाद आपने सिर्फ इसे जिपलॉक बैग में भर देना है। अगर आपकी फिश की क्वांटिटी ज़्यादा है तो 2 लेयर्स के बीच में आप वैक्स पेपर या फिर एल्यूमिनियम फॉइल की मदद से आप 2 लेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं। और फिर बस ये रेडी टू फ्राई के लिए तैयार है। इसे आप आराम से 20-30 डेज के लिए स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हैं। सारे फिश को मैंने मसाला लगा लिया है, तो अब हम चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। अब कोटिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है रवा, और इसमें मैं ऐड करूँगी चावल का आटा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड किया है चावल का आटा। रवे से एक अच्छी सी कोटिंग बन जाएगी और चावल के आटे से एक परफेक्ट क्रिस्पीनेस आ जाएगा। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ताकि इसे भी एक अच्छा फ्लेवर मिल जाए। इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब एक एक करके फिशेस के पीसेस को हमें इस तरीके से दबा कर इसमें कोट कर लेना है। 2 से 3 बार हमें उलट पुलट करके इसको अच्छे से कोट कर लेना है, ताकि इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग चिपक जाए। अगर आप सिर्फ सिंगल कोट करेंगे तो ये उतने मज़ेदार नहीं बनेंगे, तो इसके लिए आपको इसे 2 से 3 बार उलट पुलट करके अच्छे से कोट कर लेना है। आप देख सकते हैं ये कितनी परफेक्टली कोट हो चुके हैं। अब सेम प्रोसीजर से हम बाकी सारे फिशेस को भी इसी तरीके से कोट करते जाएंगे और फिर हम इसे फ्राई करने के लिए ले लेंगे। यहाँ पर मैंने पैन को गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए हम इसमें फिशेस को ऐड कर देंगे। फिशेस को फ्राई करते वक्त हमें फ्लेम जो है वो मीडियम पे ही रखनी है, ना ही ज़्यादा फास्ट और ना ही ज़्यादा स्लो। लो फ्लेम पर ये ठीक से पकेंगे नहीं अंदर तक, और हाई फ्लेम पर इसकी कोटिंग जल जाएगी। इसीलिए मीडियम फ्लेम को ही मेंटेन कर आपको इसे फ्राई करना है। एक साइड को फ्राई होने के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट लगा है। एक साइड ये अच्छे से पक चुके हैं, तो अब हम इसे फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड भी हम इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे।
ये दोनों साइड से देखिए कितने अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इन सबको मैंने एब्जॉर्बेंट पेपर में निकाल लिया है ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं ये कितने डिलीशियस बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन।